साथियों, इस बार 15 अगस्त को लाल किले से मैंने पंच प्राणों की बात कही है। आज साबरमती के तट पर इस पुण्य प्रवाह के सामने, ये पवित्र स्थान पर मैं पंच प्राणों को फिर से दोहराना चाहता हूं। पहला, देश के सामने विराट लक्ष्य, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। दूसरा, गुलामी की मानसिकता का पूरी तरह त्याग। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व। चौथा, राष्ट्र की एकता बढ़ाने का पुरजोर प्रयास। और पांचवा, हर नागरिक का कर्तव्य। आज का ये खादी उत्सव इन पंच प्राणों का एक सुंदर प्रतिबिंब भी है। इस खादी उत्सव में एक विराट लक्ष्य, अपनी विरासत का गर्व, जनभागीदारी, अपना कर्तव्य, सब कुछ समाहित है, सबका समागम है। हमारी खादी भी गुलामी की मानसिकता की बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है। आजादी के आंदोलन के समय जिस खादी ने हमें स्वदेशी का एहसास कराया, आजादी के बाद उसी खादी को अपमानित नजरों से देखा गया। आजादी के आंदोलन के समय जिस खादी को गांधी जी ने देश का स्वाभिमान बनाया, उसी खादी को आजादी के बाद हीन भावना से भर दिया गया। इस वजह से खादी और खादी से जुड़ा ग्रामोद्योग पूरी तरह तबाह हो गया। खादी की यह स्थिति विशेष रूप से गुजरात के लिए बहुत ही पीड़ादायक थी, क्योंकि गुजरात का खादी से बहुत खास रिश्ता रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि खादी को एक बार फिर जीवन दान देने का काम गुजरात की इस धरती ने किया है। मुझे याद है, खादी की स्थिति सुधारने के लिए 2003 में हमने गांधी जी के जन्म स्थान तब हमने खादी फॉर नेशन के साथ साथ खादी फॉर फैशन का संकल्प लिया था। गुजरात में खादी के प्रमोशन के लिए अनेकों फैशन शो किए गए, मशहूर हस्तियों को उससे जोड़ा गया। तब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, अपमानित भी करते थे, लेकिन खादी और ग्रामोद्योग की उपेक्षा गुजरात को स्वीकार नहीं थी। गुजरात समर्पित भाव से आगे बढ़ता रहा और उसने खादी को जीवन दान देकर के दिखाया भी। 2014 में जब आपने मुझे दिल्ली जाने का आदेश दिया, तो गुजरात से मिली प्रेरणा को मैंने और आगे बढ़ाया, उसका और विस्तार किया। हमने खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, इसमें
खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प जोड़ा। हमने गुजरात की सफलता के अनुभवों का देश भर में विस्तार करना शुरू किया। देश भर में खादी से जुड़ी जो भी समस्याएं थी उनको दूर किया गया। हमने देशवासियों को खादी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया और इसका नतीजा आज दुनिया देख रही है। आज भारत के टॉप फैशन ब्रांड्स खादी से जुड़ने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। आज भारत में खादी का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। पिछले 8 वर्षों में खादी की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। आज पहली बार भारत के खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। खादी की इस बिक्री के बढ़ने का सबसे ज्यादा लाभ आपको हुआ है। मेरे गांव में रहने वाले खादी से जुड़े भाई बहनों को हुआ है। खादी की बिक्री बढ़ने की वजह से गांवों में ज्यादा पैसा गया है, गांवों में ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों का सशक्तिकरण हुआ है। पिछले 8 वर्षों में सिर्फ खादी और ग्रामोद्योग में 2.25 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए हैं। और साथियों, गुजरात में तो अब ग्रीन खादी का अभियान भी चल पड़ा है। यहां अब सोलर चरखे से खादी बनाई जा रही है, कारीगरों को सोलर चरखे दिए जा रहे हैं। यानी गुजरात फिर एक बार नया रास्ता दिखा रहा है।